फ्रेंड्स, नेक्स्ट मूव टू द आवर नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म, दैट इज मोलैरिटी। तो ये फिफ्थ मोलैरिटी, मोलैरिटी की सबसे पहले तो अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब इस लाइन का मतलब समझिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं वन लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, उसको हम कहते हैं मोलैरिटी। अब यहाँ पे आप चीज़ देखिए कि यहाँ पे जितने भी हमने कंसंट्रेशन टर्म पढ़े उसमें सब में जगह मोल्स आ रहा है, तो मतलब कि आपको मोल्स निकालना आना चाहिए। अगर आपको मोल्स निकालते नहीं बनता है तो मेरा प्रीवियस वीडियो आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने आपको बहुत इजी वे में और 10 मिनट में समझाया है कि मोल्स किसी भी क्वेश्चन का कैसे निकाल सकते हैं। ओके, लेट्स कम ऑन टू द टॉपिक। मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि एक लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं सॉल्यूट के, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं वन लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। तो सिंपल यही होता है मोलैरिटी। इसका हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोलैरिटी को हम एम, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। इसमें हमें ये चीज़ ध्यान देनी है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जहाँ पे हम बी लिखें उसका मतलब होता है कि हम सॉल्यूट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो भी वॉल्यूम रखा जाएगा वो लीटर्स में रखा जाएगा। तो ये होती है मोलैरिटी।